ऑफ 13th of 2021. दो सवाल सवाल थे पहला सवाल था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया की जो जर्नी है मतलब आज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था प्रीएम्बल क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है डीपीएसपी क्या है आई I मीन mean, जो एथोज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो एथोज कैसे बने इस जर्नी को हमें ट्रेस करना था हमें हाईलाइट करना था चेरिश्ड वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड जो सवाल था वो था पैट्रियाटिज्म का क्या मतलब होता है फौज में सरहद में जो लड़ने जाता है वो पैट्रियाटिक है बट दैट इज नॉट दी ओनली डेफिनेशन ऑफ पेट्रियोटिज्म डे टू डे एक्टिविटी में एक कॉमनर है सिविल मैन है सिविल पर्सन है वो जो अपनी डे टू डे वर्क को डिलीवर कर रहा है टू द बेस्ट ऑफ और हर कैपेसिटी तो दैट इज ऑल्सो पेट्रियाटिज्म So, ये दोनों सवाल थे आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं आंसर्स सबमिशन किया विश्वजीत ने अदिति आकांक्षा माधवी शायमा नितिन आलिया दमन विमल शुभम रसेंद्र पीयूष प्रियंका सपना तपन दीपक वर्षा दीपाली शीतल आरती मुजम्मिल दीपक दमन माधवी आशा लेखिका विशाल एंड प्रियंका तो ये जितने भी सबमिशन थे वेबसाइट में इन सब का मैंने बना लिया है पी डी एफ एंड सवाल था वो सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया विश्वजीत ने यह लिखा है तो पहले आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या होता है एक काइंड ऑफ रूल्स होते हैं एक काइंड ऑफ कोड्स होते हैं ये जो कोड्स होते हैं इसके हिसाब से हमारा देश चलता है हमारा शासन चलता है गवर्नेंस चलती है सो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो ये एक प्रोसीजर है पावर है ड्यूटीज है एथोज हैं ये सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी हमें ट्रेस करना था तो ये शुरुआत यहाँ पे किया अगस्त ऑफर से सो दिस इज टाइमलाइन। बट अगर हम इसके और पहले भी हिस्ट्री देखते हैं ना तो इवन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है तब से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हो गया था सो दिस इज टाइमलाइन लॉर्ड वेवल बताया 1947 47 देन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ ड्राफ्ट फाइनलाइज हुआ 26 नवंबर 1949 तो इस दिन को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे देन 26 जनवरी 1950 मनाते हैं हम रिपब्लिक डे के नाम पे देन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ आपने एड्रेस किया है जे कृपलानी साहब डॉक्टर सचिना सचिदानंद जी ये जितना भी प्रोसीजर है ना इसके लिए हमें क्या करना है कि जो संसद टीवी की एक वेब सीरीज है उस वेब सीरीज का नाम है संविधान उस संविधान की वेब सीरीज को हर दिन आप देखो दस कुछ एपिसोड्स हैं उसमें दस दिन में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एक बार आप ये सीरीज कंप्लीट कर लोगे ना तो ये जो पॉलिटी का ये जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और एक जनरल एथोज ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस बहुत अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपोजर भी मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी सो वॉच दैट सीरीज तो जैसे यहाँ पर है ना जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया तो उसमें बड़े अच्छे से विजुअलाइज किया है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे से ये पूरे सीन को रिक्रिएट किया है कि तिरंगा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे आया लाइक दैट देन ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का आपने मैंशन किया सरोजनी नायडू जी हंसा मेहता जी तो ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की भी इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए दूसरा एक मेजर कमिटीज होता है इससे भी रेगुलर हर एग्जाम में सवाल आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे पावर कमेटी के कौन थे लाइक दैट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आपने सोवेनिटी सोशलिज्म सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी देन फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये सारे पॉइंट्स बताया वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम गुड इंटरनेशनल पीस के बारे में भी बताया और फंडामेंटल ड्यूटीज अपसी प्रजेंटेशन क्या होता है एक तो होता कि हमने सीधे सारे पॉइंट्स ऐसे लिख दिए दूसरा हमने उसको प्रजेंटेशन को थोड़ा इनोवेटिवली जैसे टेबल बना दिया डायग्राम बना दिया जो हम पॉइंट्स लिखते हैं उसमें भी हैडिंग्स सब हेडिंग्स कर दिया तो इससे क्या होता है कंटेंट वही रहता है बट वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है तो अगर आपको हर प्रश्न में भी बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा कुछ हाफ मार्क वन भी मिल गया तो इमेजिन दस बीस सवाल है एक प्रश्न में टोटल चार चार पेपर्स हैं तो अच्छी खासी तीस चालीस नंबर का लीड आ सकता है सो दैट इज वाई आई एम्फेसाइज सो मच ऑन दिस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके सो दिस इज शायमाज कॉपी बहुत अच्छा आंसर अगेन लिखा है जैसे कि पैट्रियोटिज्म अब पैट्रियोटिज्म में शुरू में ही डिफाइन कर दिया व्हाट डज इट मीन बाय पैट्रियोटिज्म जैसे कि टीम वर्क हो कोऑर्डिनेशन हो कॉल ऑफ ड्यूटी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो ये सब चीजें पैट्रिओटिज्म में आ सकती है दिस प्रिपेयर यू दिस द वर्स्ट इज दिस सो एक डेफिनेशन दे दिया कि दिस इज अबाउट पैट्रियोटिज्म सो इसमें पेट्रियोटिज्म में क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए अब इस सवाल को जो था ना इसमें आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग्स भी बता सकते थे बिकॉज जो पैट्रियोटिज्म है इसकी कोई एक सेट डेफिनेशन होती नहीं है हर किसी का पेट्रियोटिज्म के मायने डिफरेंट हो सकते हैं तो हमें एड्रेस करना था जो हमारे जीएस फोर के जो वैल्यू सिस्टम है जीएस फोर में जो फाउंडेशनल वैल्यूज देखते हैं ह्यूमन वैल्यूज देखते हैं कंट्री की तरफ जो एथिक्स है ड्यूटीज है उन सारे वैल्यूज को यहाँ पे कल्बिनेशन लाना था ओके तो ये बड़े अच्छे से आपने यहाँ पे लिखा पैट्रियोटिज्म इज नॉट अ वॉर थिंग और अ सिंगल डे लव इट एवरी डेवरी डे थिंग्स दिस इज द हाईलाइट इसने सेट कर दिया इस पूरे सवाल टोन को गुड फिर यहाँ पे आर्टिकल फिफ्टी वन ए भी आया वंडरफुल भी है देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया कि हम सर्व करें टू कंट्री देन जैसे ये एग्जाम्पल्स है अगर आप सिंपल टैक्स भी पे कर रहे हो ना तो दिस इज

एथिक्स में स्टैटिक पॉइंट्स तो आने ही चाहिए प्लस एप्लीकेशन पार्ट भी आना चाहिए जो एप्लीकेशन पार्ट इस सवाल में बहुत अच्छे से एड्रेस किया है तो विच इज अगेन वंडरफुल जैसे फूड किचन का एग्जाम्पल दिया आपने कोविड 19 रिलेटेड जो वेलफेयर का वर्क हुआ गुड सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर वेल डन एंड कीप इट अप है, है अधितिज कॉपी तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया तो ये आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ है इंडिया का गुड स्टार्ट देन फंडामेंटल प्रैक्टिकल कोड है स्ट्रक्चर पॉवर ड्यूटी सब जगह हमने एक सिंगल कोडिफाई कर रखा है कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिस बुक इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दैट इज वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहलाता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके ये सारे फीचर्स आपने यहाँ पे बताए कब ये स्टार्ट हुआ दिस 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 अडोप्टेड इन दिस नोवर दिस एंड दिस दिस गुड दैन कम्प्लीटेड सेवेंटी वन ईयर्स दिस गुड दैन यहाँ जो ऑथर्स हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनका नाम आना चाहिए था विच इज यर गुड दैन यहाँ पर आपने मैंशन किया एक्ट अब इसकी जर्नी ना हमें सेवेंटी थ्री से स्टार्ट करनी थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना एक दिन में नहीं बना हैगेनिक डॉक्यूमेंट ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ है इवॉल्व हुआ है सो दिस इज गुड देन ये बड़ा अच्छे से आपने बताया सेलियंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं वेल डन देन जर्नी दिस इज इम्पोर्टेंट 46 में हमने ट्रेस किया फोर्टी सेवन देन फिर 49 आते आते हमने इसको ऑफिशियल किया और 50 को हमने रिपब्लिक डे बनाया सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर हमने बताया कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एफ आर है डी पी एस पी है कैबिनेट फॉर्म है और ये केसवानंद भारती केस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज केसवानंद भारती केस ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया था गुड सो अगेन दिस इज वेरी वेरी गुड जो ये कॉपी है वो आकांक्षा की है आपने संविधान निर्माण की यात्रा अब यहाँ पे कीवर्ड क्या लिखा था संविधान की निर्माण की यात्रा मतलब हमें जर्नी बतानी थी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुआ नाइनटीन जब साइन किया तो ये डॉक्यूमेंट कैसे बना और इसके मूल्य और विश्वास प्रणाली पर भी प्रकाश डालना था तो दिस इज गुड ये मांग 1934 में स्टार्ट हो गई थी 34 में ही एम एन रॉय जी ने विचार दिया देन संविधान निर्माण की डिमांड चालू हो गई नेहरू जी वॉयस रॉय और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया तो सैद्धांतिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रूवल मिल गई फिर आया क्रिप्स मिशन फिर प्रतिनिधिक निर्वाचन की बात हुई ऐसे करके सदस्य बने फिर देश का विभाजन हुआ फिर दिसंबर 1946 में पहली बैठ, बैठक हुई सचिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष चुने गए सब राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के हेड है, थे देन एच सी मुखर्जी साहब कृष्णा मचारी साहब गुड देन 46 से आपने उद्देश्य ये सब बताया अब यहाँ ना ये चीज़ अच्छी है कि हमने किस दिन पे कौन सा यहाँ पे अडॉप्ट किया तो हमने एक डेट वाइज भी टाइमलाइन बता दिया क्योंकि ये जो सवाल है ना ये कई बार डिफरेंट एग्जाम्स जो हम देखते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछे गए कि किस दिन क्या हुआ था देन राष्ट्रीय ध्वज कब आया था कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है लाइक like दैट देन संविधान निर्माण में इतना टाइम लगा अब ये इंपॉर्टेंट है समिति इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी और उसको हेड किसने किया था फिर ये कुछ और समितियाज हैं गुड अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना लिया बट इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है तो ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट इज गुड इसकी स्पेशलिटी बताई विशेषताएं दिस इज गुड और ये यहाँ पर है तो इसमें हमें बिलीव सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी और स्पेशलिटी एट द एट द सेम टाइम क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे मेंशन किया गुड देन दिस इज अबाउट रक्षा सेवा देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है तो रक्षा सेवा है सैन्य असैन्य भी होता है देशभक्ति हम अपनी एवरीडे डे टू डे एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं जिसे हम लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं संस्कृति का सम्मान करते हैं रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध करते हैं न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग देते हैं मताधिकार का प्रयोग करते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं ये जैसे कर्तव्य है तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब भी हम पैट्रियोटिक हैं हम देशभक्त हैं फिर ये अच्छा स्ट्रैटेजी है बिकॉज पूछा गया, -गया था योर व्ट इज योर थाट्स व्हाट आर योर थाट्स व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू सो दिस इज गुड सामाजिक कर्तव्य हो ये जैसी कुप्रथा है उसको हम दूर करें शिक्षा पे ध्यान दें व्यवसायिक सत्यनिष्ठा होना भी जरूरी है दिस इज गुड पॉइंट स्ट्रीट वेंडर्स गुड कोविड नाइन्टीन गुड तो ये पॉइंट्स नए हैं रेलेवेंट हैं कंटेम्प्ररी है गुड स्वयं का कर्तव्य है गुड आर्थिक कर्तव्य है राजनीतिक कर्तव्य है तो कितने अच्छे से हमने सेग्रीगेट किया गुड यो थॉट प्रोसेस इज रियली गुड इसी तरीके से हमें और रिफाइनमेंट करते रहना है ओके okay? Then वासुदेव कुटुंबकम एंड दिस निष्कर्ष वेल वेल डन एक्सिल की कॉपी है पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है 1928 से अब पे स्टार्ट किया. तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया की डिमांड चालू हो गई बट यहाँ भी हमें एक बैकड्रॉप जरूर देना चाहिए था सेवनटीन से इवन मैग्ना कार्टा कैसे आया एक आध लाइन पे हम उसको बता सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अग्रीमेंट की तरह कैसे प्रेजेंट हुआ देन ये सारे पॉइंट्स हैं गुड रेगुलर पॉइंट्स हैं एम एन रॉय साहब का नाम आना था देन ऑगस्ट ऑफर इज इम्पॉर्टेंट तो ये की वर्ड्स हैं ये की वर्ड्स दिखने चाहिए आंसर में हाईलाइट होने चाहिए स्टैफोड क्रिप्स हुआ राइट टू फ्रीडम देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव जो हमारा मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो यहाँ से डिराइव हुआ है फिर इंस्पिरेशन तो सी हमने डाइवर्स रेंज कवर किया है तो आंसर में हमेशा डायनामिक बहुत सारी रेंज भी होनी चाहिए ये नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो बस उसी में पन्ने भर दिए नो तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है पार्लियामेंट्री गुड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इलेक्शन कैसे हुआ ये ऐसे हुआ इनॉग्रल सेशन हुआ आचार्य जे बी कृपलानी साहब थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे फर्स्ट सेशन हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने फिर ये सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गई अब दूसरा पार्ट था वैल्यूज एंड बिलीफ तो ये वैल्यूज एंड बिलीफ है फ्रीडम जस्टिस डाइवर्सिटी सेक्युलरिज्म यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी फेडरलिज्म नेशनल आइडेंटिटी गुड वेरी गुड आंसर दिस इज नितिन आंसर आपने भी बड़ा अच्छा आंसर प्रिपेयर किया है तो सी आपने 72 से स्टार्ट किया दिस इज गुड बिकॉज यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो इंडिया की ना वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था इन अ वे तो दिस इज गुड लॉर्ड मायो डिक्लेरेशन जैसे सेल्फ गवर्नमेंट का लिखा गुड देन 1935 आए तो ये 1935 एक मेजर पार्ट बनेगा हमारे फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब सी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट आपने टाइमलाइन बताया वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छियासी छियालीस में नवंबर 46 में बनी अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ना हमने इंस्पिरेशन लिया है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यूएसए से यूके से आयरलैंड से साउथ अफ्रीका से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव और कैनेडा ऐसे कुछ हैं पे जर्मनी भी है यूएसएसआर जापान ऑस्ट्रेलिया फ्रांस वंडरफुल दिस इज रियली गुड नहीं तो भी ये जो दो पन्ने हैं ना इससे एक सवाल तो बनता ही है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हर एग्जाम में कि कौन सा फीचर हमने किस कंट्री से दिस इंस्पायर्ड है जैसे कॉन्करेंट लिस्ट पूछा तो कॉन्करेंट लिस्ट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एक बार सवाल आया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से तो वो जापान से है, है ना तो इसको अच्छे से दो तीन बार रिवाइज करना है इस इस सेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फिर ये केशवानंद भारती केस है इससे भी हर साल सवाल आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर फिर आपने वैल्यूज भी बताया तो सी अप्रोच इज रियली गुड क्वेश्चन पूरी तरह एड्रेस किया है गुड ये वैल्यूज हैं और देन देर इज अ कॉन्क्लूशन वेल डन देन दिस इज आलियाज आंसर आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं एंड दिस फ्लो इज रियली गुड जिस तरीके से यहाँ पे लिखा 1934 से इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हमने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैबिनेट मिशन बताया ये आठ मेजर कमिटीज बनी है एट मेजर कमिटीज कमिटीजन फैक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है दिस इज गुड दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे फिर इसके बाद आपने ये कुछ फैक्ट्स और बताए हीलियम फील्ड लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट में ये हमने प्रिजर्व करके रखा है फिर इसकी जो कॉपीज़ है हैंड राइटिंग वगैरह पेंटिंग कैसे हुई गुड अब ये जो चीज़ है ना इससे हमें थोड़ा एलेबोरेट करना है कि ब्रिटिश से क्या लिया अमेरिकन कैनेडन इरिश आयरिश लाइक दैट बिकॉज ये बड़ा हाई एल्डिंग है इससे हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या इंस्पायर्ड है देन दिस इज़ छब्बीस जनवरी Then, 26 जनवरी 50 क्यों चूज किया पूर्ण स्वराज और ये क्रिटिसिज्म भी, भी जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन के बिलीफ एंड वैल्यूज आपने बताए गुड सी कॉन्स्टिट्यूशन सेन विच देयर इज These form the basic according to which विच want to be बी and society to move on. Very good line. Then, this is Indian Constitution, और ये अपने वैल्यूज भी बताया गुड well really तो आपने पहले बताया कि सर्विस का मतलब क्या होता है सर्विस डिफेंस सर्विस में तो ये है पैट्रियोटिज्म इन जनरल क्या हो सकता है सो दिस इज पैट्रियोटिज्मिफिक इन्वेंशन हो स्पोर्ट्स मैनशिप हो इधर भी पैट्रियोटिज्म होता है हम स्पोर्ट खेल रहे हैं दैट इज ऑल्सो पैट्रियोटिज्म नेशनल फ्रीडम फाइटर सोशल ड्यूटी अप्रोप्रिएट बिहेवियर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे ये स्वच्छ भारत मिशन में अगर हम क्लीनलीनेस भी कर रहे हैं ना तो वो भी पेट्रियोटिज्म है मेक इन इंडिया क्लीन वाटर सैनिटेशन तो पेट्रियोटिज्म कोई एक डेफिनेशन नहीं है पेट्रियाटिज्म के बहुत सारे वर्जनस हो सकते हैं अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी में हो सकते हैं देन दिस इज सिविक ड्यूटी रेस्पेक्ट फैमिली अपसी दिस इज ऑल्सो पेट्रियोटिज्म इकोनॉमिक ड्यूटी पॉलिटिकल ड्यूटी वेल डन वेरी गुड आंसर देन दिस इज आंसर तो यहां आपने बताया स्टार्टिंग में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सेवरल दिस दिस इज अ स्पेशल लीगल सैंटिटी एक बुक बना दी है एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशन है जिससे कंट्री का गवर्नेंस पॉसिबल हो पाता है देन आपने यहाँ पे बताया फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं तो ये सारे आइडियोलॉजी लॉ फ्रेमवर्क गवर्नमेंट प्रोविजन्स सोवेर एन बॉडी गुड देन ये अपने जर्नी ट्रेस किया दिस इज अगेन गुड तो ये जर्नी किया अब हमने इतना होमवर्क किया ना ये चीज़ें अब एकदम कंसोलिडेट हो गई आपको ये अब बहुत हेल्प करेगा आपको आगे देन मेजर जो कमिटीज़ थी इससे भी हर साल कुछ ना कुछ सवाल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे लाइक like दैट कि किसने हेड किया देन सरदार पटेल जी सब कमिटी गुड वेरी गुड देन इसके बाद आप आए ड्राफ्टिंग कमिटी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर सोर्स के ना कुछ चार पाँच पॉइंट्स पता होने चाहिए जैसे यूके से ही आए यू एस से ही आए फेडरल दिस बिल ऑफ राइट इलेक्टोरल कॉलेज देन आयरलैंड से डी पी एस पी आ गया से दिस इज ऑस्ट्रेलिया देन दिस इज अबाउट फ्रांस कैनेडा सोवियत यूनियन जर्मनी साउथ अफ्रीका जापैन सब बहुत हाई एल्डिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स देन डीपीएसपी भी आपने मेंशन किया फंडामेंटल ड्यूटी सेक्यूलर यूनिवर्सल थ्री टीयर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव तो सी इस एक्सरसाइज से क्या हुआ हमें ना एक डायरेक्शन मिल गया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल हमने कर लिया है तो अब आप देखना जी टू के अब जब आप दूसरे सवाल भी देखोगे ना तो आपकी जो पॉलिटी है वो इधर जो सिलेबस है ना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आसपास रिवॉल्व करेगा आपका थॉट प्रोसेस और दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है जो राइटिंग है उसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज ऑब्जेक्टिव्स बिलीव सिस्टम सो गुड देन दिस इज अ कंक्लूजन वेल डन देन यहां पे आपने बताया पैट्रियोटिज्म का क्या डेफिनेशन है दिस इज दिस कुड बी पैट्रियोटिज्म सिविल लाइफ में पैट्रियोटिज्म के बहुत मायने हैं गुड देन आपने सोवेनिटी यूनिटी बताया तो अगेन जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है एथिक्स की वैल्यूज है अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं तो इट इज इट इज पैट्रियोटिज्म हम फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं दिस इज पैट्रियोटिज्म सो सी सोशल ड्यूटी प्रोफेशनल सिविक इकोनॉमिक पॉलिटिकल वेल डन दिस अप्रोच इज गुड बीच बीच में ना ऐसे डायग्राम्स बना दिया करो इससे क्या होता है मोनोटोनस नहीं रखती कॉपी बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया तो दिस इज गुड ये अच्छा है देन सिविक सोसाइटी पॉलिटिकल ड्यूटी गुड टाइम का भी अब सी ये हेडिंग अच्छी थी ताकि हमने इसे करंट से लिंक किया करंट आज की डेट में क्या चल रहा है देन दिस इज वेल डन शुभम बड़ी अच्छी कॉपी है आज भी जर्नी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फॉर इंडिया तो हमने 1928 से डिमांड चालू हो गई थी नेहरू रिपोर्ट वेरी गुड देन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली महेंद्र जी देन दिस आइडिया आया देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड चालू हो गई फिर फाइनली ऐसे करके 26 जनवरी 1950 में हम रिपब्लिक बने फिर आपने बताया डिफरेंट कमिटीज़ कौन सी हैं तो ये सारी कमिटीज़ थी फिर आपने बताया कुछ फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सिग्निफिकेंस बताया और चेरिश्ड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है वो हमने कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड है इंस्पायर्ड है तो आप भी एक बार ये सीरीज अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना संविधान सीरीज जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है तो क्यों आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज है तो क्यों आया इसका बड़ा अच्छा वहां पे डिस्कशन है कि जैसे हमने बाद में आएगी फंडामेंटल ड्यूटीज बट जैसे फंडामेंटल राइट और दिस डी का वहां पर डिस्कशन है संविधान विडियोज में तो वहां ये बताया कि अधिकार देना क्यों जरूरी है प्लस सारे अधिकार तो हम फंडामेंटल राइट्स में डाल नहीं सकते तो कुछ हमने फिर डी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन करके डी को कैरी फॉरवर्ड किया तो इसका जो बैक जो डिबेट होता है ना वो समझना वो भी बहुत जरूरी है हमें तो यू गेट टाइम हैव हैव अ अ बिंज बिंज वॉच करो कुछ दस एपिसोड है उसको देखना एक बार चैरिश्ड वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम है दिस इज गुड सोवर दीज आर अगेन वेरी वेरी गुड पॉइंट्स दैन दिस इज पैट्रिओिज्म का मतलब क्या होता है तो दिस इज पैट्रिओटिज्म पैट्रिओटिज्म में ये पार्ट अच्छा है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है पेट्रिओटिज्म की एक सिटीजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है वो पैट्रियोट्रिक है पेट्रिओिक का मतलब ये नहीं होता है कि हम स्लीव में लेके घूमेंगे इंडिया इज लाइक दिस नो पेट्रिओिज्म आपके वर्क में आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए दिस इज पैट्रिओटिज्म ये सारी चीजें हैं गुड वेल डन देन आपकी कॉपी भी रियली गुड कंटेंट इज रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशन आपने बताया फंडामेंटल लॉ है फिर आपने बताया ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट तो जैसे हम ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ना ये सीखो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना देते हैं ना वो पढ़ने में भी नहीं आते और थोड़े बोरिंग भी लगने लग जाते हैं तो छोटे पैराग्राफ बनाओ तीन चार लाइन का पैराग्राफ बनाओ ब्रेक करो फिर अगला दूसरा पैराग्राफ बनाओ तो रीडेबिलिटी ज्यादा आएगी कॉपी की पढ़ना आसान होगा

Then 46 40, कुछ एक पॉइंट सेवेंटी से भी हमें कैरी कर लेने थे जैसे 61 में आया हमारा क्या कि पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया लाइक like करके कुछ इम्पोर्टेंट पुराने एक्ट्स भी हम मेंशन कर सकते थे हाईलाइट पे, पे किया फिर आपने कमिटी बन गई कमिटी पे भी हमें एम्फेसाइज करना था इस पार्ट में कि कमिटी ने क्यों बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो दिस इज गुड फ्लैग आया वेरी गुड ड्राफ्टिंग कमिटी देन फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेल्डन अब जैसे ये टाइम है ना दिस इज गुड तो आपने ये बड़े अच्छे से बताया वेल्डन well फिर ये सेलियंट फीचर्स हैं ये सारे सेलियंट फीचर्स हैं अब प्रश्न में क्या पूछा था बिलीफ एंड की वर्ड था तो वो भी हम अलग से हेडिंग करके लिखते ना तो और अच्छे से हाईलाइट हो जाता सो दिस इज गुड वंडरफुल पैट्रियोटिज्म क्या होता है आपने पैट्रियोटिज्म बताया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अब सी पेट्रियज्म मतलब हमारे जो चैंपियंस हैं जो हमारे लीडर्स हैं उनके नाम यहां पे आने चाहिए गुड देन दिस इज नॉर्मल सिटीजन के लिए पैट्रियोटिज्म क्या है तो सी अ पर्सन कैन सिर्स इन मेनी वेज दीज ऑल वेज आर गुड डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर है आप सवाल पूछ रहे हो स्टूडियो टाइप नहीं हो साइंटिफिकली एनालिसिस कर रहे हो है ना तो वो भी आपका पैट्रियोटिज्म है यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट इविल दिस इज पैट्रियोटिज्म गुड तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह भी हैं दीज आर गुड इसको थोड़ा सा और हम एलोबोरेट करते और एक बार जी एस फोर के जो की वर्ड्स हैं स्पेशली जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट यहाँ पे रखना था कि एज अ सिविल सर्वेंट क्या हो सकता है इस चीज को थोड़ा और हाईलाइट करते अलग से एक बना के कि पेट्रियोटिज्म सिविल सर्वेंट में ये चीजें होगी तो वो पेट्रियोटिज्म है तो इससे ओरिएंटेशन थोड़ा और बेटर आ सकता था देन दिस इज प्यूश कॉपी दिस इज अगेन गुड आप भी ना थोड़ा ये यह, यहाँ पे जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दो बीच में लिखो और स्पेसिंग जो है ना जैसे इससे जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा फिर यहाँ पे एक ऐसे अंडरलाइन लिखो फिर थोड़ा गैप करो तो इससे क्या होगा रेडेबिलिटी और बेटर होगी आपकी राइटिंग अच्छी है हम थोड़ा स्पेसिंग पे और वर्क कर सकते हैं तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन गुड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने मेंशन किया टोटल स्ट्रेंथ है अब इनके बीच में थोड़ा गैप हो जाता या आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते थे है ना थिंक देन आपने ये बताया गुड जैसे ये लिखा है आपने दिस इज रियली गुड अपने यहाँ पे सीट्स आर लोकेटेड तो कंटेंट इज गुड प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हम इसको ऐसे दिस सिस्टमेटिक कर सकते हैं जैसे ये आपने लिखा अब इसका स्पेसिंग इंटेंशन इसको और इधर थोड़ा पुश कर देते बीच में लिख देते ऐसे तो थोड़ा और बेटर हो सकता था है ना पॉइंट्स लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर करके दीज आर रियली गुड पॉइंट्स मेजर कमिटीज बताया अंबेडकर साहब बताया आपने एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर आई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना अब जैसे ये है ना इसको फ्लो चार्ट बोला हमने कि हमने वेरियस सोर्सेज लिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे ये दिस फंडामेंटल राइट्स फिर दिस रूल ऑफ लॉ ओके दिस इज गुड फेडरल पार्क क्या होता है अगर हम बीच बीच में पैटर्न ब्रेक करते हैं ना तो मोनोटोनस नहीं लगता आंसर उसमें नया कुछ क्रिएटिव ऐसा एक डिफरेंस क्रिएट होता है तो विच इज गुड जैसे आपने ये बनाया दिस इज रियली रियली गुड थ्री टीयर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर सो अगेन वेरी गुड कॉपी बिलीफ सिस्टम वगैरह थोड़ा और एलेबोरेट हो सकता था यहाँ पे वेल डन देन माधवी आपका कॉपी भी बहुत अच्छा है नो सी जैसे ये बना दिया आपने पैट्रियोटिज्म इज इक्वल टू लॉयल्टी प्लस फेथफुलनेस दिस इज रियली गुड ये क्या बनाता है आपकी कॉपी को यूनिक बनाता है यूनिकनेस के भी आपको रिवॉर्ड मिलते हैं यूनिकनेस मतलब ये ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज लाइक जेन्यनली बता रहा है पढ़ाया हुआ नहीं है रोबोटिक नहीं है तो दिस इज गुड देन है गुड देन इन डेली सिविल लाइफ लाइफ सी डेली सिविल में ऐसा हो सकता है गुड सिंपल बिहेवियर अब सी ट्रू हीरोइज्म इज रिमार्केबली सोबर जरूरी नहीं है हम सब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करें हम सिंपल सिंपल चीज को ही बड़े अच्छे से करें तो दैट इज हीरोइज्म सो दिस इज सिंपल बिहेवियर वगैरह है दिस इज गुड अब इसको एलैबोरेट करो एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या समझते हो पैट्रियोटिज्म क्या होना चाहिए सिविल सर्वेंट बिकॉज सिविल सर्वेंट भी नॉर्मली यहाँ तो बॉर्डर पे लड़ने जाएगा नहीं तो उसके लिए पैट्रियोटिज्म कैसा है सी इलस्ट्रेशन और जस्टिफाई करो योर आंसर ये थोड़ा और कंटेंट इसमें एड आशाज आंसर आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है वंडरफुल थर्टी फाइव मतलब कंटेंट हैवी है और सारा जो है ना सब इसने जर्नी बड़े अच्छे से कवर किया है इज़ रियली गुड तो तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए तो टॉपिक बड़े अच्छे से प्रिपेयर हो गया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी इंडिपेंडेंस एक्ट ये सारे वैल्यूज आए दूसरे फंक्शंस क्या है अपने कॉमनवेल्थ वगैरह यहाँ पे है अब सी पिंगाली वेंकैया इस पे भी एक बार सवाल आ चुका है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल ने एंथम ने 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 बनाया देन राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने दो साल ग्यारह महीने अट्ठारह दिन लगे ग्यारह सेशन हुए फिर ये सारी कमिटीज भी फेवरेट टॉपिक है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर साहब के अपने वर्डिंग्स बोले वेलडन मॉडर्न मनु एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया अब सी क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी था तो ये सारे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं वेलडन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिर आपने फीचर्स भी बताए वेरियस सोर्सेज है ये जो पार्ट है ना इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना था वेरियस सोर्सेस इंस्पिरेशन बिकॉज इन्होंने सो अगेन रियली गुड जैसे यहां आपने बताया सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज पार्ट इससे ना एक सवाल आएगा ही आएगा तो ये जो दस ग्यारह पॉइंट है ना ये मुंह जबानी याद होने चाहिए ग्यारह जो यहाँ पे आपने लिखे हैं किस कंट्री से कौन सी चीज हमने अक्वायर की है नाउ दिस इज अगेन हाईलाइट इट इज नॉट इनफ टू हैव जस्ट अ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट इंडिया वट इज ऑल्सो नीडेड इज टू हैव एन इंडियन नेशन वेर एवरी सिटीजन विल हैव रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट सो दैट एवरी पर्सन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ड्राफ्टिंग कमिटी वेल डन ये लेखिका की कॉपी है राइट योर नेम और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लाइक दैट ओके डेट भी डालिए इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है जो भी हम आंसर लिख रहे हैं इसको फाइल भी करना है, है इस को, और टाइम टू टाइम इसको भी करना है. बहुत जरूरी होता है तो दिस इज इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आपने बताया से शुरुआत किया मेजर फीचर्स बताया प्रीएम्बल एम्बल बाइक फेडरल देन रिटर्न है दिस इज फर्स्ट पेज ये था ट्रेस द जर्नी दिस इज फर्स्ट पेज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हा नौ सीट अब ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर इवेंट ऐसे आए यहाँ पे क्रिप्स मिशन बताया नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बताया वेरी गुड दिस टाइम लाइन इज गुड देन इसके बाद ये सेकेंड पेज आया कि यहाँ पे तो एक और लर्निंग क्या है हमेशा पेज नंबर भी डालना है वन टू थ्री फोर देन मेजर फीचर्स आए गुड सो अगेन वेरी गुड उसको थोड़ा और एलेबोरेट करना है क्यों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स में ही साथ ही साथ इसमें और भी जो हमें ना होमवर्क करना चाहिए क्योंकि जो हम देखेंगे ना किस कंट्री से कौन सी चीज इंस्पायर हुई है कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ ये जो चीजें हैं ना वो ओवरऑल एंटायर जी टू के जो पॉलिटी सेक्शन है ना उधर बहुत अच्छा फॉर्डर पॉइंट काम करेगा सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी हाई एल्डिंग क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा अब आपने भी यहाँ पे बताया 1946 गुड ये कॉपी है विशाल की और ऐसे यहाँ पे डेट भी डाला है वेरी गुड और ये डे नंबर 12 है विशाल का वेल डन देन दिस इज दिस गुड पूरा फ्लो में आपने बताया 48 49 गुड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट वेल डन फिर ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी वैल्यूज इसको थोड़ा और डिटेल में बताइए वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस बिलीफ सिस्टम में भी हमारा क्या है जैसे हमारा सेक्युलरिज्म है हमारा हमारे यहाँ फ्रीडम मिला एडल्ट फ्रेंचाइजी है डे वन से हर किसी को वोट का अधिकार है पहले इक्कीस था अब अट्ठारह हो गया तो दिस इज अवर बिलीफ सिस्टम गुड इन दो सेक्शन को ना थोड़ा और हम एलाबोरेट कर सकते हैं एक पन्ना और आ सकता है यहाँ पे देन दिस इज अबाउट पैट्रियोटिज्म दिस क्या डेफिनेशन होनी चाहिए तो अगेन लाइन यही होना चाहिए कि देर इज नॉट वन डेफिनेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म पैट्रियोटिज्म के बहुत वेज पॉसिबल है प्रोफेशनल सोशल ड्यूटी सिविक ड्यूटी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वेल डन देन दिस इज आई थिंक प्रियंकाज कॉपी यहाँ पे नाम लिखो और क्वेश्चन नंबर डेट देन दिस इज दिस ओके तो सी दिस इज गुड पैट्रियोटिज्म मींस टू स्टैंड बाय द कंट्री इट डज नॉट मीन टू स्टैंड बाय द प्रेसिडेंट ये रूजवेल्ट का है गुड तो पैट्रियोटिज्म मतलब होता है कि हम अपना

वेटरन रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल प्रैक्ट दिस प्रैक्टिस जो हैं उसमें हम देखें पार्टिसिपेशन करें नेशन के पर्टिकुलर में जैसे एंथम सॉन्ग एम्बल ये सारी चीज़ें हम सम्मान करें तो ये भी पेट्रियाटिज़म है ज्यूरी सोल्जर्स अब यहाँ सिविल सर्वेंट भी एक हेडिंग बनना था कि सिविल सर्वेंट के कॉन्टेक्स्ट में पेट्रियाटिज़म क्या हो सकता है देन सराउंडिंग करें इंडिजीनस प्रोडक्ट्स देन दिस इज अबाउट एन्वायरमेंट तो सी रेंज डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज इंफ्राम ट्रैफिक रूल फॉलो करना भी पेट्रीओटिज़म है कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं वो भी पेट्रियाटिज़म है विमेन सेफ्टी एंड रेस्पेक्ट दिस इज सो सच अ बेसिक थिंग एंड सच एन एसेंशियल थिंग तो दिस इज पेट्रिटिज्मन सेफ्टी एंड रेस्पेक्ट देन टैक्सेस देना पब्लिक प्रोग्राम दिस फॉरनर्स दिस गुड सो वेरी गुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन बी प्राउड यू आर एन इंडियन दिस इज अगेनिटिज्मी आई लाइक योर आंसर ये जो सेकेंड है यहाँ आपने नाम और डेट लिखा है गुड दिस इज इंट्रोडक्शन लेंथियस्ट है सबस्टेंशियल चेंजेस हुए सो आइडिया ये था ये एक्सरसाइज करने का कि हम इस एरिया को जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वो भी साइमल्टेनियसली अच्छे से प्रिपेयर कर लें जो आपने किया है गुड फेडरल एंड यूनिटरी पार्लियामेंट्री सोवर्निटी गोड जुडिशरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंट टू थ्री सिक्स फाइव टू सी काफी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है वेल डन कोऑपरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीएम्बल भी बताया गोड देन आपने प्रीएम्बल भी कवर कर लिया ओरिजिन भी बताया ऑगस्ट ऑफर दिस इज गुड ऐसे करके एक बनी हमारी दैन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये सारे हिस्टोरिकल है चेंजेस अदर फंक्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे बी कृपलानी साहब दिस गुड वेलड एंड स्टेयरिंग कमेटी इससे हमेशा सवाल आता है किस कमेटी को किसने हेड किया था कमेटी का परपज क्या था एस्पेश जो मेजर कमेटीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट माइनर भी आपने कवर किया है गुड दैन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेम्बर्स एंड ऑल इनैक्टमेंट और लिखने का भी प्रैक्टिस करना है कि जो कॉपी है वो सिस्टमेटिक हो जैसे आपने ये पॉइंट लिखे ट्राई टू राइट इन अः एक लाइन पे भी आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे जिग जैग नहीं लगे ट्राई देन दिस इज सपना बहुत अच्छे आंसर्स आपने आप लिखते हो दिस इज अगेन रियली गुड पैट्रियज का मतलब होता है इट्स अ अटिमेंट ऑफ लव प्राइड एंड सैक्रीफाइजेस फॉर द सेक ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल दिस इज सच गुड डेफिनेशन पहली लाइन पे इतना अच्छा पॉइंट लिख दिया वेल डन देन इंडियन सोल्जर्स रोल मॉडल होते हैं ये सारी हैबिट्स हैं गुड वेरी गुड साइंटिस्ट डॉक्टर पॉलिटिशियन सोल्जर सिविल सर्वेंट स्टूडेंट हर कोई पेट्रियज्म दिखा सकता है मंगलयान के साइंटिस्ट का एग्जाम्पल लिया पैंडमिक का एग्जाम्पल लिया सो सी आंसर में जब ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं ना तो वो पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है और एप्लीकेशन पार्ट इज गुड थ्योरी भी होना चाहिए और एप्लीकेशन भी होना चाहिए देन ये जैसे एग्जाम्पल लिखा वेरी गुड देन क्वालिटीज ऑफ दिस वेरी गुड वन टू थ्री फोर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विद द कंट्री वेरी गुड स्पेशल अटेंशन टू वन ओन कंट्री गुड देन पेट्रियोटिज्म के ये सब मायने हैं फॉलोइंग दिस लॉ एंड ऑर्डर करें एनवायरमेंट एंड इज द कंक्लूजन वेल डन विद्या दिस अभियान वेरी गुड वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ये होना चाहिए कि पैट्रियटिज्म का हम डिस्टोर्टेड वर्जन फॉलो नहीं करें जो असली पेट्रियोटिज्म है वो हम फॉलो करें सिंपल सिंपल चीजों में एंड दिस इज सेकेंड क्वेश्चन डिफेंस सर्विसेस देन इंडियन सोल्जर्स आई थिंक ये रिपीट हो गया है फिर से देन दिस इज तप कॉपी अपन बहुत अच्छे really तो आंसर्स बात करते हैं ना तो अगर ब्रॉडली देखें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमने दिया हम अगर इंडियन हेरिटेज वगैरह देखें तो हमारे यहाँ तो हमेशा से लॉज रूल्स कोडिफिकेशन वगैरह हुआ है की सेट ऑफ़ गाइडलाइंस है इसकी तरीके से गवर्नेंस होना चाहिए कौटिल्य ने जो वर्क लिखा है उसमें अर्थशास्त्र में लिखा है कि कैसे शासन चलना चाहिए लाइक like दैट तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वी न्यू इट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है और इवन जो हमारे जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखते हो इसकी जो बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो हमारी जो इंडियन कॉन्टेक्सट में हमारा वैल्यू सिस्टम है वो चीज़ वहां पर दिखती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी में हमें यह भी देना था कि ये कैसे ग्रेजुअली जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है हमारा दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली इसमें ट्रिगर किया और एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाया कि कैसे होना चाहिए दिस, दिस 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 गुड देन 1909 का मेंशन किया गुड अब ब्रिटिशर्स में भी ट्रेस करो 1773 से बिकॉज तभी से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चालू हो गई थी कॉलोनी से इंडिपेंडेंट इंडिया मिला सी दिस दिस आइडिया इज गुड प्रेजेंटेशन देन सीरीज ऑफ इवेंट तो सी हमने ग्रेजुअली क्लासीफाई किया गुड फेडरल प्रोविंशियल कॉम्पोनेंट गुड तो बहुत सारे जो आइडियाज होते हैं ना तो हर आइडिया को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है बट अगर आप एक दो की वर्ड भी लिख दोगे एक लाइन भी लिख दोगे ना उस आइडिया की तो ये हो जाएगा कि ठीक है आपने ये आइडिया भी कवर किया है सो देट इज वायर रेंज भी एक सर्टेन रखना है हमें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आप डेप्थ में जॉब है साइमन कमीशन इम्पोर्टेंट ये अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट था 1935 हमारा 70 अस्सी प्रतिशत कॉन्स्टिट्यूशन यही है 1935 देन 1940 आया फिर 42 फिर लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गुड ये बड़ा अच्छा आपने लिखा है देन इलेक्शन रिजल्ट्स बताए इम्पोर्टेंट पोजिशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन गुड तो ये टॉपिक भी हमने बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है वंडरफुल क्रिटिसिजम आया देन देर इज अ कॉन्क्लूशन वेल डन दीपक आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है एंड द वे यू अप्रोच योर क्वेश्चन योर आंसर इज अगेन गुड पैट्रियोटिज्म आपने पहले डिफाइन किया सी अब जैसे कितना अच्छा कीवर्ड है ये स्टेटमेंट है सर्विस बिफोर सेल्फ तो अब देखो दीपक ने इसको अगर ऐसे ही लिख देता ना पैराग्राफ में तो ये ऐसे हाईलाइट होके समझ नहीं आता बट इसको प्रॉपर स्पेसिंग करके ऐसे अलग से लिखा कोट के अंदर अंडरलाइन करके तो ये अलग से हाईलाइट हो रहा है सर्विस बिफोर सेल्फ तो दैट इज वाई प्रोडक्ट इज गुड योर प्रोडक्ट यूर कंटेंट ऑफ योर आंसर इज गुड बट हम देखते हैं ना मार्केटिंग प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी सीखना है हमें दिस इज सर्विस बिफोर सेल्फ देन यहाँ पे ये चीजें बताई रेगुलर पॉइंट हैं गुड पॉइंट देन ये आपने बताया दिस नेम दिस नमक मोशन गुड दैन डिसिप्लिन एंड ऑनर दिस वेरी गुड देन पेट्रियटिज्म एवरी डे लाइफ अपसी दिस पार्ट इज गुड एवरी डे लाइफ में कॉमनर क्या कर सकता है हर कोई तो फौज में जा नहीं सकता वहाँ जाके लड़ेगा नहीं पर हम डे टू डे जो अपना रेगुलर वर्क है वहाँ पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं तो दिस इज गुड देन इन अवर डेली लाइफ दिस पार्ट इज गुड दिस इज रियली वेरी वेरी गुड कॉपी वंडरफुल देन आपने भगत सिंह और जो हमारे चेरिश्ड लीडर्स हैं उनका भी मैंशन किया है पेट्रिओटिज्म क्या होता है गुड रियली लाइक ड्योअर कॉपी वेल डन वर्षा आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है हिंदी की रूपरेखा तैयार करनी थी तो 26 नवंबर को बनाते हैं आपने फैक्ट्स बताए संविधान की निर्माण यात्रा तो चौथे से एम एन रॉय साहब ने पहली बार प्रस्ताव रखा था तब से स्टार्ट हुआ अब इसके बीच में और पॉइंट्स आने चाहिए जैसे छियालीस सीधे आ गए इससे पहले ऑगस्ट ऑफर आया था है ना तो ये सारी जर्नी भी हम एक दो एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं देन समितियाँ थी ये प्रमुख समितियाँ थी पोषित मूल और विश्वास तो दिस इज ऑल्सो गुड यहाँ भी हम थोड़े और इसको एलेबोरेट करें थोड़ा कंटेंट और एड करें इसमें ओके देन दिस इज दालीज कॉपी यू आर अगेन डूइंग रियली गुड बहुत कॉम्प्रेंसिव आंसर होते हैं आपके एंड यू पुट सो मच एफर्ट बेल डन दैन दिस इज दिस वर्ल्ड वॉर टू तो ये हमने जर्नी स्टार्ट किया 1930, 30, 50 तक ये ऐसे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ये ना याद रखना है इसको फाइल करना है और कंसोलिडेट भी करना है एग्जाम के एक दिन पहले आप पन्ने पलटोगे ना तो आपने इतनी मेहनत से इतने अच्छे नोट्स बनाए इनको जरूर एक बार पलट के रिवाइज करना है ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी दिस प्रिल्स में भी आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस ये हुआ बाबा साहब ने क्या बोला दिस इज गुड दैन केसवानंद भारती केस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने डिसाइड कर दिया कि वॉट इज वट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन गुड

ह्यूमन लाइफ की बात है हम वहां पे अभी जैसे मेडिकल एड भेज रहे हैं फूड आइटम्स भेज रहे हैं सो दिस दिस टेल्स की हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज पे हम कितना ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं वेल well डन अब पैट्रियाज्म में आपने बताया पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है फौज पेट्रियाटिक है बट एवरीडे लाइफ में भी हम कॉमनर भी एक पेट्रीओटिज्म दिखा सकता है गुड देन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिस इज देयर टेकिंग एवरी वन फॉरवर्ड ये वैल्यू सिस्टम है है ना आप भी ना थोड़ा स्पेसिंग को ऐसे कोशिश करो जैसे यहाँ पे अपन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा बीच में स्पेसिंग जैसे कुछ एक यहां से ऐसे करके स्टार्ट किया तो उससे थोड़ा ओवरऑल मोनोटोनस नहीं लगेगा जो अपने आंसर्स हैं है ना बाकी आप ये बड़ा अच्छा कर रहे हो शॉर्टर पैराग्राफ्स हैं गुड जैसे ये हमने लिखा इसको ऐसे बॉक्स में बंद करो देन दिस इज गुड परफॉर्मिंग सोशल ड्यूटी अपसी दिस इज रियली गुड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रीडिंग न्यूज़पेपर हमने यहाँ गुड सेमेरिटियन की बात किया हम अक्सर रोड पे जा रहे हैं सामने एक्सीडेंट हुआ हम इग्नोर करके आगे बढ़ गए ये गलत है ये हमारा ड्यूटी है दिस इज अगेन पैट्रियोटिज्म वहाँ हम एज अ गुड सेमेरिटियन इमिजिएटली हेल्प प्रोवाइड करें वॉल्टियर कर सकते हैं देन कोविड का भी आपने ये बताया गुरुद्वारे में इतने ऑक्सीजन लंगर लगे वेल डन दिस इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है अब ये केस स्टडी भी है सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड आंसर वेल डन जैसे आपने यहाँ पे ये यह बताया Remember, study, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस यहां इनिशिएटिव्स ले रहे हैं है और यूटिलाइज करना है आंसर राइटिंग में तो यू यूज दिस वंडरफुल देन दिस इज देयर सिविक ड्यूटी इकोनॉमिक ड्यूटी और पॉलिटिकल ड्यूटी वेरी गुड दीज आर अगेन रियली गुड पॉइंट वेरी गुड कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग आपने बताया ऐसे हुआ आई थिंक दिस इज शीतल्स कॉपी नाम लिखो यहाँ पे नाम लिखो डेट लिखो क्वेश्चन नंबर लिखो ऑर्गेनाइज बनना चाहिए देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुड ये सी दिस इज रियली गुड ऐसा आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बने विजुअल्स रियली गुड वेल डन देन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सिक्स से ऐसे जर्नी स्टार्ट किया ड्राफ्टिंग और छब्बीस दिस हमारे यहाँ पे हम रिपब्लिक बन गए अब ये भी अच्छा स्ट्रैटेजी होता है जैसे यहाँ पे ऑस्टिन का जॉन मार्शल ये फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इनके स्टेटमेंट्स लिखे हैं गुड सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंडियन लीडर्स यहाँ पे बताए सी पेज नंबर भी लिखो वन टू थ्री फोर किस पेज का नंबर क्या है कॉपी देन दिस इज गुड वेल डन आरती सी जैसे आरती ने दिस आई थिंक थ्री नाइनटी थ्री ओवरऑल दिस पेज नंबर है यहाँ पे थ्री नाइन थ्री सो दिस इज देर कॉन्स्टिट्यूशन चेरिश वैल्यूज एम एन रॉय नाइन थर्टी फोर से डायरेक्टली स्टार्ट किया गुड ये हमें ट्रेस करना था डिमांड बाई आई एन सी क्या हुआ क्रिप्स मिशन क्या हुआ मुस्लिम लीग क्या हुआ वेरी गुड दैन ये कैबिनेट मिशन प्लान बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर में ये सारे वैल्यूज थे गुड दैन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल इक्वलिटी ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंट एक्ट then legislative और ये committee this is very high yielding committee then preamble and all values fundamental rights universal adult franchise this is good independent bodies hain and ye bhi baat hai to see हमने जब proper spacing से लिखा content हमारा अच्छा है proper spacing से लिखा तो monotonous नहीं लग रहा है और readability बढ़ गई है तो इस चीज को भी हम सबको सीखना चाहिए okay then ये मुजम्मिल्स copy है आपने बताया स्टार्टिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1934 से स्टार्ट किया देन 1938 फिर जर्नी ट्रेस ट्रेस किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान ये नाम आना चाहिए बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है ना उनको ऐसे हाईलाइट भी करना है अंडरलाइन करना है जिसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा गुड इंडिपेंडेंट जैसे यहाँ किया है ना दिस इज गुड रिपब्लिक एंड ऑल वेरी गुड देन इंडिपेंडेंट बताया सोशल इकोनॉमिक ये वैल्यूज हैं वेरी गुड ये सब बताया गुड पॉइंट्स देन अदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये थे देन सी अब यही चीज ना हम थोड़ा और स्पेस लेके बनाते तो रेडिबिलिटी और बढ़ जाती ये क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिफरेंट दिस कमिटीज है गुड अब जैसे ये बनाया फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सारे हमारे फीचर्स हैं वेरी गुड देन प्रियम्बल लिखना बहुत जरूरी था प्रियम्बल का सोर्स नेचर ऑब्जेक्टिव एंड किस डेट पे अडॉप्ट हुआ की वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल भी यहाँ पे बताए तो ये हमारे वैल्यू सिस्टम है देन प्रियम्बल इंपॉर्टेंट पालकी वाला मुंशी साहब के कोर्ट्स लिखे एंड देन देर इज अ कॉन्क्लूशन वेल डन सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड आंसर कॉपी तो यहाँ हमने पूरा पार्ट भी एड्रेस कर लिया और इसमें जो जर्नी है ना अगेन सेवेंटी थ्री से स्टार्ट करते तो थोड़ा और बेटर होता देन दिस इज दीपकॉपी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दिस इज गुड दैन डाइवर्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया नाइनटीन थर्टी फोर से आइडिया आया डिमांड आया आई एन सी का डिक्लेरेशन आया डिमांड एक्सेप्ट हुई ड्राफ्ट हुआ कैबिनेट आया ऑगस्ट भी बीच में आएगा फिर दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गुड दैन ये अच्छा है एस्पायरेशन एंड आइडियल वेरी गुड दिस इज सेक्यूलरिज्म हमारा होना चाहिए आर्टिकल्स लिखे दिस इज गुड कि अब इतने टाइम पर हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ है उस सारे वैल्यू सिस्टम को भूले नहीं लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करें सो अगेन बहुत अच्छे आंसर्स आपने लिखे इसी तरीके से आंसर्स लिखिए और सबमिट करिए इसे वेबसाइट में ओके सबमिट इट ऑन वेबसाइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ